ठीक है बच्चा, पार्टी सही है सब कुछ भाई? सब कुछ मस्त है ना बच्चों? चलो तो क्या आप जानते हो रेफरल नंबर क्या होती है? इरेफरल नंबर क्या होती है? अगर जानते हो तो बताओ। हाँ, परिमेय संख्या यानी रेफरल नंबर और अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। ठीक है रुचि साख्या, गुड इवनिंग। रेशनल नंबर, चलो समझो साथियों, इनकी सामान्य जो परिभाषा होती है वो आपने सुना होगा। वह संख्याएं जिन्हें हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर कहलाती हैं, और वह संख्या जिन्हें हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर कहलाती हैं। लेकिन इसमें एक चीज अभी आपको और समझना है, वो क्या है समझो। जैसे पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं का तात्पर्य तो आप सभी लोग को नहीं क्लियर हो रहा होगा। जैसे मैंने अगर 7 लिखा तो बच्चों ये रेशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 7/1 इक्वल पी अपान क्यू। ठीक है, अगर मैंने अंडर रूट 7 लिखा तो इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 7/1, लेकिन ये डज नॉट इक्वल पी अपान क्यू, ये पी अपान क्यू के बराबर नहीं है। एक और देखना, अगर मैंने लिखा अंडर रूट में 25, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जो अंडर रूट वाला है वो अपरिमेय होगा, तो ऐसा नहीं है, अंडर रूट वाला भी परिमेय होता है। समझो अंडर रूट 25 लिखा तो बच्चा ये प्लस माइनस 5 हो सकता है ना, और आपको पता है कि 5 हो सकता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 5/1, 5/1 लिख सकते हैं। और इक्वल क्या होता है, ये पी अपान क्यू, यानी ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो मोटा मोटा आप ऐसे समझ लीजिए कि वो संख्या जो वर्गमूल या घनमूल के चिन्ह में लगी हुई है, हाँ वर्गमूल या घनमूल के चिन्ह के अंदर है, लेकिन उस संख्या का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या आ रही है या घनमूल एक पूर्ण संख्या आ रही है, तब वो परिमेय संख्या होती है, अंडर रूट लगे होने या घनमूल का चिन्ह लगे होने के बाद भी। ठीक है, जैसे अंडर रूट 25 क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका वर्गमूल 5 हो सकता है। समझ रहे हो ना बच्चा? लेकिन वो नंबर जैसे यहां पर अंडर रूट 7 था, तो इसका वर्गमूल पूरी तरह से नहीं निकल सकता, मतलब एक पूर्ण संख्या नहीं आएगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं प्राप्त होगी, तो ये क्या होगा, मतलब कुल मिला के एक शब्द में बोले तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये अपरिमेय है। ये आपका मान लो पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। इसमें आप इसे पहला मान सकते हो थोड़ा साइड में लिख करके, आप लोग ये बताओ, एक कहीं और लिखता हूं, क्या ये अंडर रूट 17 ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल है, बताओ। शोभा कुमारी बताइए, एमजी गेमर बोलो भाई, एमके गेमर, ये रेशनल है कि रेशनल है? अच्छा एक और, इसमें एक और, अंडर रूट 64 ये रेशनल है कि रेशनल है, बोलो क्या है? देखिए मैं एक एक पॉइंट पे आता हूं, समझना। इज नो रेशनल, अर्पित सिंह बहुत अच्छे, वेद प्रकाश वेरी गुड। देखो बाबू, ये पी अपान क्यू के बराबर नहीं हो सकता है, यानी इसे हम ऐसे बोलें कि अंडर रूट 17/1 इक्वल, अगर इसे हम पी अपान क्यू लिखें तो ये क्या इसके बराबर है, बोलो इसके बराबर है? ये डज नॉट इक्वल पी अपान क्यू, क्यों? क्योंकि ये वर्गमूल का चिन्ह कभी हट नहीं सकता है, यानी हटेगा तो संख्या दशमलव में हो जाएगी, और वो भी एक क्या, पांच
परफेक्ट मतलब एक प्रकार बात करें एक शब्द में पूर्ण संख्या नहीं आएगी, मतलब होल नंबर नहीं आएगी, ठीक है। वर्गमूल जो है वो एक पूर्ण संख्या आनी चाहिए, इसका वर्गमूल ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, निकलेगा लेकिन दशमलव में आएगा, पॉइंट में आएगा। अगर पॉइंट में आएगा तो वो पूर्ण संख्या नहीं आएगी, ठीक है। पूर्ण संख्या का मतलब पूरी पूरी फूटी टूटी ना हो। जैसे आप बाजार से गए हो मान लो आलू खरीदने, तो दुकानदार तुम्हें 1 किलो आलू दिया, आलू में तुम्हें 10 आलू चढ़ी है तौलने पे, 10, तो 10 पूरी पूरी रहे, ऐसा नहीं थोड़ा कम हो रहा था उसने एक आलू काट के थोड़ी रख दिया। अगर काट के रख दिया तो क्या है, वो फिर पूर्ण नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना, उसमें आधी अधूरी कट्टी पिट्टी भी मिली है, तो ऐसी नहीं होना चाहिए। वैसे इसका अगर हम वर्गमूल करेंगे तो 4 point something आएगा, 4 point something आएगा, यानी दशमलव में आएगा, ठीक है भाई। सिद्धार्थ जी समझ में आ रहा, सुधांशु पाल, कल नोटिफिकेशन जाएगा आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। यूट्यूब पे बहुत कम बच्चे आ पा रहे हैं आजकल, क्योंकि यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं दे पा रहा है, 3 सेशन पहले हो जाता है इसलिए नहीं दे रहा है, तो कल से देगा, आप परेशान ना रहे। चलो भैया, तो ये एक नंबर आप इस पे लिख सकते हो अंडर रूट 17 इधर साइड में, इधर साइड में आप अंडर रूट 64 लिख सकते हो, क्योंकि ये क्या है, ये रेफनल नंबर है, ये क्या है, रेफनल नंबर है, ठीक है। अखिलेश कुमार गुड इवनिंग, अभय चौहान जी गुड इवनिंग, सुधांशु पाल जी गुड इवनिंग, चंदन कुमार गुड इवनिंग, ठीक है, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलो क्लियर, बात पक्की, चलो मेरा नहीं जुड़ा है क्या, अब है जुड़ा है तुम्हारा, जुड़ा है बच्चा, जुड़ा है। आइए कुछ और बात करते हैं साथियों, जितने नंबर आप देखते हो अक्सर सभी रेफनल ही होते हैं, बहुत कम ऐसी संख्याएं हैं जो इरेफनल होती हैं, आप इतना जान लो, ठीक है। इरेफनल नंबर में बहुत कम नंबर होती हैं, रियर केस में बहुत कम ही मिलती हैं जो इरेफनल होती हैं, बाकी लगभग सभी रेफनल ही होती हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लो ऐसी संख्या जिसका पूरी तरह से वर्गमूल ना निकल सके, मतलब वर्गमूल एक पूर्ण संख्या ना हो और घनमूल भी एक पूर्ण संख्या ना निकले, वो अपरिमेय होती है। एक तो ये प्रकार जान लो, एक जो सिंबल होते हैं जैसे पाई का मान, मान लो हाँ पाई, पाई का मान 22/7 होता है ना, वो पूरी तरह से नहीं होता है, दशमलव में उसे बदलते हैं, कभी कटता नहीं है, तो ये पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। एक चीज याद रखना, शून्य बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीरो ये रेशनल नंबर है बेटा, लेकिन इधर अगर बात करें पाई, ये इरेशनल नंबर है। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि आप क्लास 9th में आए हो, 10th में जाओगे, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। गुड इवनिंग सीमा, गुड इवनिंग। चलो ये क्यों है, क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं, इक्वल p/q, और ये क्या है समझो, यहां पे देखो p/q के बराबर है, सो हम कह सकते हैं कि ये रेफनल है। क्या है, रेफनल है, लेकिन एक चीज और समझना, ये तो ठीक है लेकिन क्या ये भी रेफनल है, 1/0 या फिर 9/0 या फिर 7/0, बोलो। प्रतिभा सिंह, सुधांशु बेटा तुम अपना पढ़ लो, अपना पढ़ लो, परेशान ना रहो, बोलो ठीक है, मजा आ रही कि नहीं, कुछ कुछ बात क्लियर हो रही कि नहीं, बोलो। चलो आगे बढ़ा जाए फिर, ओके भैया ओके। ये नहीं है, ये रेफरल नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि जब इन्हें भाग करोगे तो ये अनंत आ जाएगा, इनफाइनाइट आएगा, ये रेफनल नहीं है, ये इरेफनल नंबर है, ठीक है। अर्पित सिंह, चंदन, उत्कर्ष, ठीक है, ये क्यों नहीं है, मैं रीजन बता देता हूं पूरा डिटेल में। देखो बोर्ड हमारे पास कमी है, मुझे साइड में हटना पड़ता है। देखो बच्चा पार्टी, जैसे मैंने लिखा 0/5 ना, ए भाई रुक जा यार, 5/0, तो ये हो जाता है साथी मेरे 5/0 इक्वल p/q, और जो p/q का एक नियम होता है उसमें कहता है कि संख्या p/q के बराबर हो तब परिमेय होती है, लेकिन उसमें लेकिन है बेटा, ये है कि q does not equal 0,
उसमें नियम में यह भी नीचे छोटा सा लिखा रहता है कि क्यू जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, यानी ऐसी संख्या जिसका हर शून्य हो, जीरो हो, वो कभी भी रेशनल नंबर नहीं होती है, इरेशनल नंबर होती है। अंश जीरो हो सकता है, किसी भी नंबर जो अगर लिखा है उसका अंश जीरो हो सकता है। ठीक है मनीष, समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? जैसे देखो ये नंबर, ये सही है, रेशनल है। एक अगर मैं और लिखूं, मान लो 0/28, तो ये भी क्या रेशनल है, क्योंकि ये p अपान q के बराबर है। यहाँ q डज नॉट इक्वल 0, q 0 के बराबर नहीं है, p 0 के बराबर है, चलेगा। आ रहा समझ में? हाँ देखो मैं सामने से डोलता रहता हूँ, कभी स्क्रीन छाप के नहीं खड़ा होता हूँ, इसलिए जो सामने आ जाऊं तो गरियाया ना करो, मैं कुछ ही सेकंड में हट जाता हूँ। हाँ लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। वैसे परमीय परमीय में ज्यादा कुछ इसमें अब आपको पढ़ना नहीं है, मेन पॉइंट पे आपके चलते हैं, जो आपका मेन पॉइंट है। ठीक है, मेन पॉइंट पे चलते हैं। साथी मेरे, आप लोग एक्सरसाइज खोल लो, बस एक्सरसाइज 1.1 ओपन करिए। सभी बच्चे एनसीईआरटी किताब लिए हो, जो किताब लिए हो या लिख के कमेंट करें। हाँ जो ना लिए वो ना, बुक लिए एनसीईआरटी वाली नहीं, बोलो। कल से बच्चे आएंगे ढेर सारा, धूमधाम से आएंगे, कल से सब आएंगे धूमधाम से। हाँ बोलो बोलो, लिए हो कि नहीं? ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चा पार्टी, वेरी गुड वेरी गुड। कल वाले में 500 लगभग देखे हैं। अभय चौहान, प्रकाश, हर्ष, अर्पित, सुधांशु, वेद प्रकाश, चंदन कुमार, अभय, प्रतिभा, हाँ पाई कमान 3 point something होता है, कोई एक पूर्ण संख्या नहीं आती है, वो क्लियर नहीं निकलता है। ठीक है, जो नहीं लिया है कोई बात नहीं है, आप लोगों को जो पढ़ाया जाता है ना एनसीईआरटी बुक से पढ़ाया जाता है, आपका कोई भी बुक है, मनोहर प्रकाशन है, नगीन प्रकाशन, लक्ष्मी प्रकाशन, बालाजी प्रकाश, राजीव प्रकाशन और पता नहीं क्या क्या बहुत सारे प्रकाशन है, आपको सिर्फ अपना चैप्टर खोलना है, बस किताब का टेंशन नहीं रखना है कि हाँ ये किताब नहीं वो नहीं। भैया देखो, अगर आपको अपने किसी दोस्त के घर जाना है, और उसके घर जाने का दो रास्ता है, एक तो सीधा पक्की पक्की रास्ता है, एक खेतारिया कहीं है, हा? तो चाहे खेतारिया जाओ चाहे पक्की सड़क से जाओ, पहुंचोगे उसके घर है। तो वैसे ये मैथ में आपका बुक वाला झोल है कि चाहे जिस किताब से पढ़ोगे चैप्टर वही रहेंगे, क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं बस। जैसे अगर कहा जाए एनसीईआरटी वाले में 3 और 4 के बीच 5 परमीय संख्या पूछा है, तो अगर तुम्हारी किताब मनोहर प्रकाशन की है तो हो सकता है इसमें ऐसा पूछा हो 6 और 8 के बीच 3 परमीय संख्या बताइए, तो है तो क्वेश्चन वही ना, टाइप वही है, केवल सवाल गिनती बदली है ना। तो इससे टेंशन मत लो, अगर आप नियम सीख जाओगे तो आपको सब आने लगेगा। ठीक है, सिर्फ आपको नियम सीखना है। चलो एक्सरसाइज खोल लीजिए 1.1। कह रहा क्या शून्य एक परमीय संख्या है, सबसे पहला यही क्वेश्चन पूछा है। क्या इसे पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू डज नॉट इक्वल 0, बताइए, जवाब दीजिए। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा बेटा कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, अभी मैं यही तो पढ़ाया हूं। ये भी कह रहा है क्या इसे पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, बोला हो चाचा लोग लिख दो। हाँ हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, और इसे पी अपान क्यू के रूप में भी लिखा जा सकता है, और कैसे लिखा जा सकता है, क्यों लिखा जा सकता है, मैं अभी सब बताया हूं, तुमने पढ़ा है, देखा है, समझा है। ठीक है चलो, ये पहला हो गया। दूसरा, सेकंड नंबर,
कह रहा है कि तीन और चार के बीच में छह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या, इसको तो मैं अभी फिलहाल के लिए नहीं बता रहा हूं, पहले आप क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, तीसरा तक अभी नहीं बता रहा हूं, चौथा, क्योंकि पहला और चौथा एक जैसा है। पहले मैं पहला और चौथा बता दे रहा हूं, फिर मैं दूसरा तीसरा बता दूंगा, ठीक है? बोलो भैया, ठीक है ना? चलो, तो क्वेश्चन नंबर फोर देखो, कह रहा कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। नीचे जो कथन दिए हैं, स्टेटमेंट दिए हैं, वो ट्रू है या फाल्स है? अगर ट्रू है तो वाई, अगर फाल्स है तो क्यों? पहला स्टेटमेंट है, प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बोलो ये सही लिखा है कि नहीं? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है वो एक पूर्ण संख्या होती है। बोलो, नेचुरल नंबर, कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। देखो भैया, पहले लॉजिक समझ लो इसका क्या है, समझ लो फिर बताना। देखो, एक्चुअली जो नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या की बात हो रही है, इनकी शुरुआत होती वन से, वन टू थ्री डॉट 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 अनंत, ठीक है? और जो पूर्ण संख्या होती, होल नंबर होती राजा, ये क्या होती है? जीरो से होती है अनंत तक, ये भी होती है, ठीक है? तो कह रहा जितनी पूर्ण संख्या है वो सभी, सॉरी, जितनी प्राकृतिक संख्या है वो सभी पूर्ण संख्या होती है। हाँ सही है, सही है। क्यों? क्योंकि ये शेर है तो ये सवा शेर है। कैसे? जैसे तुम किसी को एक थप्पड़ मारे तो तुमको चार थप्पड़ मारे, समझ रहे हो ना? तो अपन हिसाब तो बराबर कर लिया एक थोड़े में, और तीन थी तुमको एक्स्ट्रा भी दे दिया, समझ रहे हो ना? वैसे है, इनकी शुरुआत वन से होती है, अनंत पे खत्म होता है, ये जीरो से ही शुरू हो जाता है और पीछे से ही। तो यानी इनका ये पूरा पूरा जितना सिस्टम है इसमें आता है ना, आता है ना? बस समझ गए आप लोग, इसमें ज्यादा कुछ करना है नहीं, बात ना करो, सिर्फ पढ़ाई करो। कल बहुत सारे बच्चे आएंगे, आप लोग क्लास को लाइक शेयर करते हो कि नहीं भैया? प्यारे प्यारे साथियों, आप लोगों को मैं ये कहता हूं कि आप डेली क्लास को अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। आप दो दिन से YouTube नोटिफिकेशन नहीं दे रहा क्योंकि क्लास ज्यादा हो जा रही, इसलिए मैं एक क्लास बंद करूंगा तो इसका नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है? तब देखना 200-200 बच्चे, 300-300 बच्चे आएंगे, फिर मजा आएगी धूमधाम से ना। कल से देखना, मैं बच्चे बढ़ाता हूँ कल से। चलो अगला स्टेटमेंट देखते हैं साथियों। ये माइक्रोफोन की बैटरी डिस्चार्ज है, हो सकता है कुछ देर में अभी आवाज आना बंद हो जाए, हो सकता है कुछ देर में आवाज आना बंद हो जाए, तो मैं अभी बैटरी चेंज करूंगा, भागना मत अगर आवाज बंद होगी तो, ठीक है? दूसरा, आप लोग जवाब दो तब तक मैं बैटरी बदल देता हूं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बोलो, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यानी एवरी इंटीजर जो है वो होल नंबर होता है। बोलो हाँ या नहीं, बोलो हाँ या नहीं, उसके बाद तब तक मैं बैटरी चेंज कर देता हूं। सभी बच्चे बताओ, प्रत्येक पूर्णांक जो है वो एक पूर्ण संख्या होती है। बैटरी बदलने जा रहा हूं, आवाज बंद होगी, टेंशन मत लेना, आवाज बंद हो जाएगी कुछ देर के लिए। हेलो, फिर से आ गई आवाज ना? चलो मैं इसको चार्ज में लगा देता हूं, आप लोग जवाब दो। क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यानी जो पूर्णांक होता है वो पूर्ण संख्या भी है, हाँ या नहीं? बोलो, बोलो भाई, बोलो। देखो, एक बात कर रहा पूर्णांक की, समझो, पूर्णांक यानी इंटीजर,
उड़ान क्या होता है? ये माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाता है, माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता है हा? और प्लस इन्फिनिटी तक होता है। और पूर्ण संख्या जो होती है वो क्या होती है भैया? वो जीरो से ही शुरू होती है, यानी इसमें माइनस वाली संख्याएं नहीं होती हैं। तो कह रहा है जो प्रत्येक पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या होता है? नहीं, गलत है, गलत है, क्योंकि पूर्णांक में तो माइनस पांच भी है। ये धन पूर्णांक नहीं, ऋण पूर्णांक है। पूर्णांक में तो माइनस का 1050 भी है, लेकिन पूर्ण संख्याएं जीरो से ही शुरू होती हैं, जीरो के पीछे नहीं जाती, ये माइनस में नहीं होती है। इसका आंसर होगा ना, क्योंकि जीरो तो एक होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। ये तो कहीं और जा रहे हैं। इंटीजर का बेस फ्रॉम क्या होता है? पता नहीं ये सब कहां जा रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा ना, ये फाल्स है, गलत है। तीसरा पे आ जाओ, इसका तीसरे पार्ट में आ जाओ भैया, तीसरे पार्ट में आ जाओ बेटा। क्या कह रहा है देखो समझो, तीसरे पार्ट में कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताओ जितनी भी रेशनल नंबर है वो एक होल नंबर होती है, हाँ या नहीं बोलो। एक्सरसाइज 1.1 चल रहा है भाई, जो लोग पूछ रहे हैं परेशान है, 1.1 चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 1.1। ठीक है, देखो बेटा ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये कह रहा है कि जितनी भी परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या होगी। जैसे कहा जाए कि क्लास 9 में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट पूर्णांक पाएंगे परीक्षा में, तो ऐसा कहां संभव है? अरे ये गधैया गोल कहां से पूर्णांक पाएगी, जो पढ़ाबे नहीं करता कब हो, हाँ बताओ इनका कब पूर्णांक मिले? तो ये गलत है ना। उसी तरह से जो पढ़ रहा है ईमानदारी से मेहनत कर रहा है उसको मिलेगा। तो साथियों जो परिमेय संख्या है प्रत्येक की बात कर रहा है, जैसे 7 हो गया, ये परिमेय संख्या है, ये पूर्ण संख्या भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 19 लिखा या 12 लिखा, ये सभी क्या है? ये परिमेय संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। लेकिन मुसीबत वहां आ जाती है, कहां? जब कौनो नंबर ये फ्रैक्शन में हो, जैसे 3/5, ये परिमेय संख्या है, ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि पूर्ण संख्या का मतलब है होता पूरा पूरा, आधा तिहा नहीं। जैसे आप केला खरीदने जाते हो, एक दर्जन लेते हो तो 12 केला मिलता है, क्यों भैया? हमारे यूपी में तो ऐसे मिलता है, कुछ जगह केला तौल के मिलता है, तो हमारे यहाँ तौल के नहीं मिलता है। लेकिन कहूं देखे हो कि अगर एक दर्जन केला ले रहे हो उसमें तोड़ के आधा केला भी दे रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। हा? लेकिन अगर गुड़ खरीदने गए, गुड़ जानते हो गन्ना से बनता है, या चीनी, अगर दुकानदार 1 किलो तौल रहा है, थोड़ा कम पड़ गया तो फोड़ के और रख देता है, बोलो होता है ना। तो वो क्या है? पूर्ण नहीं होता। मान लो गुड़ खरीदने गए, लड्डू खरीदने गए, वैसे लड्डू में तो कोई दुकानदार फोड़ के नहीं रखता, थोड़ा सा एक के रखता है, लेकिन गुड़ वगैरह हम करते हैं दुकान वाले। तो मान लो अगर 7 भेली गुड़ चढ़ा है तो 7 रहे, उसमें थोड़ा सा फूटना ना रहे, समझ रहे हो ना। तो वैसे इसमें क्या फूटना हो जाता है, यानी इसको अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट में आ जाएगा, ये दशमलव में आ जाएगा, 0.6 आएगा। यानी ये एक को नहीं पूरा हुआ। पूर्ण का मतलब पूरा पूरा रहे, या तो 1 रहे या 2 रहे या 3 रहे या 4 रहे, लेकिन 4.5 ना रहे, पूर्ण का मतलब यही होता। आप इतना जान लो मोटा मोटा, ठीक है ना बच्चा। पूर्ण का मतलब होता या तो 1 रहे, 2 रहे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी रहे, लेकिन 5.3, 2.1, 1.7 ऐसे ना रहे, यही मतलब है, ठीक है। तो ये क्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये 0.6 है, यानी पॉइंट में आ रहा है। तो कोई भी जो भिन्न के रूप में लिखी गई नंबर है, अगर उसको भाग देने के बाद ऐसे कुछ आ रहा है गड़बड़ टाइप का, तो परिमेय संख्या तो है, रेफरल नंबर तो है, लेकिन वो होल नंबर नहीं है। नहीं है रे बाबा, नहीं है। क्यों नहीं है? इतना देर से का तो काम राम कथा सुना रहे हैं।
काहे नहीं है बताया तो इतना देर ना। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाओ। आयुष समझ में आ रहा है? देखिए बच्चों की संख्या लास्ट तक 40-50 हो ही जाती है, भले यूट्यूब वाला नोटिफिकेशन ना दे ससुरा, क्योंकि बच्चे हमारे नाइन्थ वाले ना बहुत जोशीले टाइप के हैं, ये कहीं ना कहीं खोज लेते हैं, खोज निकालते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाओ। एक बार सभी साथी फटाफट क्लास को लाइक करके अपना नाम कमेंट कर दो जल्दी से खटाखट। चलो एक सांस में, और पानी वानी पी लो, बगल में रखे रहो, थोड़ा बीच बीच में मुंह सींचते रहो। हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें हल करना पड़ेगा, अब ये कहानी बताने से काम नहीं चलेगा। आओ बात करते हैं। देखिए बच्चा अगला है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, ये बताना है ठीक है। इसको हल करने के पहले एक चीज सुन लो, एक चीज समझ लो, इसको हल करने के पहले इसका आंसर मिलना जरूरी नहीं किताब से, और सभी का लगाया मिलेगा भी नहीं। आप कहोगे गुरु जी कौन पढ़ाई पढ़ावता है कि उत्तर ना मिले किताब से, तो पहले मतलब समझ लो फिर जो मर्जी वो करना। देखो बच्चा पार्टी, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा ये बता बबुआ 1 से लेकर के 10 इसके बीच का कोई दो अंक संख्या बताओ, दो अंक बताओ, सुनना ध्यान से, इसके 1 से 10 के बीच की कोई दो गिनती बताओ। तो मान लो पवन ने बता दिया कि गुरु जी 5 और 7 होगी, और प्रतिभा ने बता दिया 1 और 2 और 3 होगी, हाँ, और पूजा ने बता दिया कि 8 और 9 होगी, और ये सुधांशुआ बताया कि नहीं 6 और 8 होगी, ये बताओ इसमें किसका गलत है, बोलो किसका गलत है। फिर सवाल ये था कि 1 से 10 के बीच की कोई दो गिनती बताओ, जिसमें 4 बच्चों ने आंसर दिया, एक बच्चा बोला 5-7 होगी, दूसरा बोला 2-3 होगी, तीसरा बोला 8-9 होगी, चौथा बोला 6-8 होगी। बेतंजय त्रिपाठी कोई गलत बताया नहीं ना, इसका मतलब सभी ने सही बताया। तो उसी तरह से मेरे प्यारे साथियों बच्चों, जो दो परिमेय संख्या होती है उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, इनफाइनाइट होती, जिनकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो हम लोग के हाथ में जो लगता है वही निकाल लाते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे तुम्हारी आंख बांध कर एक कमरा में भेज दिया जाए, और उस कमरे में खूब लड्डू है, लड्डू भर भर के रखा गया है, और तुम्हें दिख नहीं रहा है, और तुम जाकर के कहीं से भी 2 लड्डू पकड़ के ले आओ, तो है तो लड्डू ही ना, समझ रहे हो ना। तो बस वैसे होता है, अनलिमिटेड होता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो इस कारण से इसका आंसर प्रायः नहीं मिलता है, हाँ, जो आप लोग लगाते हो किताब से मैच नहीं खाता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो किताब से मिल ही नहीं रहा है, ये तो किताब से मिल ही नहीं रहा है। तो बेटा तरीका सही लगाओ, तरीका सही लगाओ, किताब से मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ गलत नहीं करना बस, ठीक है। अब जैसे 1 से 10 के बीच की गिनती पूछा था, तो अगर कोई बता दिया 15 और 18 होगी, तो उसका गलत है ना, गलत है ना, 15-18 गलत हो जाएगा ना भैया। चंदन कुमार गुड इवनिंग, चलो बेटा ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो आप समझो इनको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इन्हें आंसर और हर के रूप में लिख लेते हैं, 3/1, 4/1, ठीक है, देखेंगे इनके हर बराबर है कि नहीं। आंसर और हर आप लोग जानते हो, देखो इनके हर बराबर है ना, बराबर है ना। चलो तो क्या करेंगे, दूसरी बार में ध्यान दीजिए, अगर हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो साथी मेरे इसमें हम 7 से गुणा करेंगे, अगर 8 संख्या निकालनी है तो 9 से गुणा करेंगे, अगर 3 संख्या निकालनी है तो 4 से गुणा करेंगे, जितनी निकालनी है उससे 1 अधिक से गुणा करेंगे, ठीक है, याद रखना। इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, इसे फाइंड कर लेंगे, क्लियर। चलो हाँ एक चीज और है, ये जरूरी नहीं होता है कि अगर हमें 8 परिमेय संख्या निकालना तो 9 से गुणा करें,
पांच निकालना है तो चार से गुणा करें, कहीं कहीं कम में भी जुगाड़ लग जाता है। जैसे अगर छह परिमेय संख्या निकालनी है तो चार से गुणा करके भी छह संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये तरीका अपनाएंगे जो बताया अभी, तो कभी आपको दोबारा तिबारा नहीं हल करना पड़ेगा, नहीं उसमें आपको फिर ट्राई करना पड़ता है कि इसमें निकल रही नहीं निकल रही, निकल रही नहीं निकल रही, ठीक है। तो ये तरीका अपनाओगे जब तो ज्यादा आपको आसानी होगी। तो बेटा छह संख्या निकालनी है तो हम सात से इनको ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यानी सात से गुणा सात से भाग, तो ये सात त्रिक 21/7 और ये 28/7, ठीक है, ये हो गया। अब नीचे आप लिखोगे अतः 21/7 व 28/7 के बीच छह परिमेय संख्याएं, इनको लिख लो लाइन से पहले 21/7 और उसके बाद इनको यहां लिख लो 28/7, बीच में मैदान छोड़ दो और छह संख्या निकाल लो, ठीक है। ये देखो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। हो सकता है कि आपके किताब से मैच ना कर रहा हो, क्योंकि इनके बीच में इतनी ही संख्याएं नहीं है, और भी बहुत सारी संख्याएं हैं, समझ रहे हो ना। लेकिन तरीका यही है। जो बुक वाले लगाते हैं कुछ और भी तरीके होते हैं, कुछ भी करेंगे परिमेय संख्या उसी के बीच वाली आएगी। जैसा कि मैं इस सवाल को हल करने के पहले आपको बता दिया था आंसर का क्या रीजन है ना मिलने का, ठीक है, समझ गए ना उत्कर्ष जी। किशन, आंसर मैच कर रहा है कि नहीं आप लोग का, मिला लो पहले। जो एनसीईआरटी वाले हैं, नहीं मैच खाएगा तब भी टेंशन ना लेना, जो तरीका बताया हूं आप वैसे करते जाना बस, ठीक है बबुआ, समझ रहे हो ना। इसमें तो फिलहाल मैच खा रहा मुझे लग रहा, लेकिन हर जगह नहीं मैच करेगा, हर जगह आंसर मैच नहीं करेगा परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या वाले में, ये बात याद रखना, ठीक है। लेकिन तरीका सही लगाना, नहीं तो तुम गलत गलत कर दो, कह दो एक गुरु हमारा सही है, वो तरीका सही लगाना। सभी समझ गए ना, तो जितने भी हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे साथी जुड़े हैं वो सभी इस सेशन को लाइक जरूर करें, लाइक जरूर करें। हाँ ठीक है, बात पक्की ना, चलें आगे बढ़े, चलो। किसी को कोई डाउट तो बताओ, कोई डाउट है क्लास के बारे में, नहीं ना बच्चों। 40 मिनट की ये क्लास होती है, 40 मिनट हो चुका है, तो आज का क्लास यहीं पे बंद होगी। और एक चीज ध्यान रखना, अगर आप डेली क्लास पाना चाहते हो ना, तो आप एक काम करो, PBR स्टडी क्लास 9 ऐसे लिख करके आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करो, कहाँ पे, टेलीग्राम में, तो आपको क्लास 9 का एक चैनल मिल जाएगा यूट्यूब पे, मतलब एक ग्रुप मिल जाएगा, सॉरी उस पे टेलीग्राम पे, उसमें हर दिन क्लास की लिंक भेजी जाती है जब चालू होती है, ठीक है। ध्यान रहे उस ग्रुप में तुम मैसेज नहीं भेज पाओगे, सिर्फ क्लास की लिंक आएगी तो पढ़ पाओगे बस, मैसेज तब भेज पाओगे जब तुम पांच साथियों को जोड़ोगे उस ग्रुप में, मतलब मेंबर ला करके, ठीक है। तो चाहो तो ग्रुप में पांच मेंबर जोड़ के मैसेज भी कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो सर से, और चाहे तो वैसे जुड़े रहो। कोई भी डाउट है नीचे नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क करिए। क्लास का टाइम याद रखिए शाम को 7 बजे से रोज होती है, कक्षा 10 वालों का सुबह 8 बजे चलता है, सुबह 8 बजे से, ये मार्च 2022 की अपडेट है, हो सकता है टाइम बदले तो आपको बताया जाएगा।